प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। दूरसंचार उद्योग के इस कार्यक्रम के चौथे संस्करण का आयोजन कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में टेलीकॉम सेक्टर ने अहम रोल निभाया है। इसी की वजह से महामारी के दौरान हम गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करने में सक्षम हो पाए। पीएम ने ये भी कहा कि आज से 10 साल पहले मोबाइल क्रांति के बारे में सोचना भी मुश्किल था। पहले टेलीफोन कॉल से लेकर अब तक हमने लंबा सफर तय किया है। हमने कनेक्टिविटी में तेजी से हुए सुधार को अनुभव किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल तकनीक के कारण आज हम बिलियन की संख्या में कैशलेस लेन देन देख रहे हैं, जिसे पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का वर्चुअल तरीके से 8 से 10 दिसंबर के बीच आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से हुई। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का चौथा संस्करण है, जिसमें इस बार करीब 50 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित स्थायी है। इट इज बिकॉज ऑफ आवर मोबाइल टेक्नोलॉजी दैट वी आर एबल टू हेल्प द पुअर एंड वल्नरेबल क्विकली ड्यूरिंग द पेंडेमिक। It is because of mobile technology that we are seeing billions of cashless transactions, which boosts formalization and transparency. India Mobile Congress भारत और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिक मंच है, जिसमें 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी भी शामिल है। इस इवेंट को भारत के स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अग्रणी मंच माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।